ये जो गेज आप लोग देख रहे हैं, ये गेज हम लोगों ने एक चार्जिंग लाइन भी लगा लेंगे तो ओके है। उसको हम लोग क्या करेंगे, ये बॉडी में कहीं पे भी लगा सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। ये जॉनसन कंट्रोल का जो ट्रांसड्यूसर है, यॉर्क का चिलर है, किसी भी चिलर में आप लोग जो चेंज करेंगे तो जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये जो हमारा यॉर्क का चिलर है, एयरकूल चिलर है, उसमें कंप्रेसर आप लोग देख रहे हैं। इसमें लाइव अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चेंज करके ट्रांसड्यूसर की कैसे चेंज किया जाता है, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उधर भी काम आ सकता है। आप लोग अगर कहीं पे काम कर रहे हैं या जो भाई हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। और वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। और दूसरी बात कि अगर इसमें कोई पॉइंट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर बताइए। तीसरी बात कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को शुरू करता हूँ बताना। ये देख लीजिए आप लोग, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये यॉर्क का JK मॉडल है। ये इसमें जो मॉडल है JK 642, इसका मॉडल है। ये तीन हेड है इसमें, अंदर छः सिलेंडर है, छः सिलेंडर है तीन हेड के अंदर में। तो ये कंप्रेसर हमारा है। और इसमें अगर हम कोई भी ट्रांसड्यूसर चेंज करेंगे तो उसका प्रोसेसर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल ये हम लोग ऑयल का चेंज करेंगे। तो ऑयल का और सक्शन का जो अक्सर होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, वो सेम ट्रांसड्यूसर होता है, सेम यूज़ हो सकता है। आप लोग नज़दीक से देख लें। तो ये ट्रांसड्यूसर चेंज करने के लिए अभी फ़िलहाल हम लोगों को ऑयल का करना है। तो ऑयल के लिए हमको इसको पम्प डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर सक्शन का करना होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे मैं नज़दीक से कहूँगा अपने दोस्त को थोड़ा दिखाने के लिए, कि जैसे यहाँ पे आप लोग डिस्चार्ज में देख लें, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये जो वाल्व है इसको जब फुल ओपन करेंगे तो ये लाइन बंद हो जाता है। तो ये इजिली विदाउट पम्प डाउन ये डिस्चार्ज का भी चेंज हो जाएगा और सक्शन का भी चेंज हो जाएगा इस कंप्रेसर में। लेकिन जब बात आती है ऑयल ट्रांसड्यूसर की, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये विदाउट पम्प डाउन नहीं हो सकता है। इसके लिए पम्प डाउन करना ही पड़ेगा, कंप्रेसर के अंदर का गैस खाली करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि ये जो गेज आप लोग देख रहे हैं, ये गेज हम लोगों ने एक चार्जिंग लाइन भी लगा लेंगे तो ओके है। उसको हम लोग क्या करेंगे, ये बॉडी में कहीं पे भी लगा सकते हैं, जो हमारा ऑयल का ड्रेनेज होता है यहाँ भी लगा सकते हैं, ताकि हमको बॉडी का प्रेशर मालूम चले। उसको यहाँ पे हम लोग फिट कर लेंगे, उसके बाद हमको ये बॉडी का प्रेशर दिखाने लग जाएगा कि कितना प्रेशर है। दो तरीके से इसका पम्प डाउन कर सकते हैं। एक तो लिक्विड लाइन को हम लोग फुल क्लोज कर देंगे और कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। कंप्रेसर जब स्टार्ट हो जाएगा तो लिक्विड लाइन क्लोज होगा तो सारा गैस कंडेंसर में चला जाएगा, इवोपरेटर का भी खींच लेगा। कंडेंसर में जब चला जाके उसके बाद जब कंप्रेसर ट्रिप करेगा लो सक्शन पे, बाद में हमने जब बंद होने के बाद फिर हमने डिस्चार्ज लाइन को बंद करना है, फिर क्या होगा, सारा गैस कंडेंसर में चढ़ जाएगा। तो इसके लिए ये सक्शन लाइन भी अगर हमको किसी काम के लिए खोलना है तो, अगर नहीं सिर्फ जैसे मैं बोलता सिर्फ अभी इसका बॉडी खाली करना है हमको, हमने सक्शन लाइन नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है, तो हम इसके लिए दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं कि जो हमारा सक्शन लाइन है तो सक्शन लाइन का हम जो वाल्व है सर्विस वाल्व उसको बंद कर देंगे, उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे तो सक्शन से वो शक कर लेगा सारा गैस और डिस्चार्ज में सारा फेंक देगा। तो डिस्चार्ज में जब सारा फेंक देगा उसके बाद ये क्या होगा, एक मिनट आधा मिनट चलने के बाद ये लो सक्शन पर फिर ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि सक्शन इसको मिलेगा नहीं। तो जब ये ट्रिप करेगा उसके बाद बंद होने के बाद फिर हम इसका डिस्चार्ज का बंद करेंगे। डिस्चार्ज का जब बंद करेंगे तो सक्शन लाइन के उधर इवोपरेटर में गैस होगा, कंडेंसर में गैस होगा, लेकिन कंप्रेसर खाली हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को किसी भी जगह से इसका जो थोड़ा बहुत प्रेशर होगा 10 PSI 20 PSI जो बचा हुआ होगा वो हम लोगों को रिलीज़ करना होगा। ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से जो हमारा हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है यहाँ से भी हम लोग इसको रिलीज़ कर सकते हैं। जब वो पूरा खाली हो जाएगा तभी हमने ये खोलना है, नहीं तो इसमें से ऑयल काफ़ी सारा आपका बाहर फेंकेगा। इस तरीके से करने के बाद आप लोग इसको अच्छे तरीके से, अगर आपके पास लॉक टाइट है तो लॉक टाइट लगा लें इसके थ्रेड पे जो वहाँ आप देख रहे हैं, नहीं तो टेफ्लॉन टेप भी लगा सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके का जो ट्रांसड्यूसर है वो होगा, तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ कि ख़राब क्यों होता है, क्यों इसको चेंज किया जाता है। तो चेंज करने का दो तीन कारण होता है। कई बार आपका ये ऑयल प्रेशर पर ट्रिप करेगा, लो सक्शन पर ट्रिप करेगा या एरर दिखाएगा डिस्प्ले में। जब आप देखेंगे चिलर बंद होने के बाद भी तो क्या होगा, ऑयल का प्रेशर उसमें दिखाएगा 100 50 ऐसे दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है, कई बार सक्शन का भी ख़राब होगा तो भी ऑयल का प्रेशर ऊपर नीचे दिखाता है ऐसे ही। बंद हालत में
हमेशा कोई भी चिलर जब बंद होगा, जो कि कंप्रेसर बंद होगा, तो ऑयल का जो प्रेशर है वो ज़ीरो होना चाहिए डिस्प्ले में, आपको याद रखना चाहिए। और ये योर का मिलेनियम चिलर है तो उसमें ज़ीरो होना चाहिए। अगर कुछ भी एरर आएगा, 5, 10, 15, 20 PSI जो दिखाएगा, तो वो कुछ ना कुछ एरर है, या फिर सक्शन का ख़राब है ट्रांसड्यूसर, या फिर ऑयल का। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है। अभी जो इसमें एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि बंद हालत में भी इसका 90 PSI दिखा रहा है, चलने के बाद तो पता नहीं लगता है वो 200, 300, 150 कितना PSI दिखाता है ऑयल का प्रेशर। इसलिए इसको चेंज करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, ऑयल प्रेशर से तुरंत में ट्रिप मार जाएगा कंप्रेसर अक्सर। जब आप लोगों को दो तीन ट्रिक बता देता हूँ, कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो तुरंत ट्रिप मारता है, इसका मतलब ज़्यादातर होता है कि ऑयल प्रेशर से मार रहा है। थोड़ा लेट ट्रिप मारेगा तो उसमें क्या होता है, सक्शन प्रेशर से ट्रिप मारता है। कई बार जो प्रेशर डिफरेंशियल होता है ऑयल का, उससे भी ट्रिप मारता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल ज़रूर रखना है। और किसी भी कंपनी का चिलर होगा, जैसे ये तो यॉर्क का है, अगर कैरियर का चिलर होगा या ट्रेन का चिलर होगा या कोई सा भी चिलर होगा, अगर वहाँ पर इस तरीके का ट्रांसड्यूसर यूज़ हो रहा है, तो आप लोग सेम मेथड यूज़ करके आप लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोग चाहे तो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह मेरे वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे ज़्यादा खुशी होगी और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जो दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।